गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ भाई साहब। आज देखिए अपनी सुबह कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीधे बाइक से और चल रहे हैं। आज चलना है फॉल पे, अभी चल रहे हैं विवेक के यहाँ पे भरत बंदा, फिर उधर से निकल जाएंगे हम लोग फॉल पे। तो चलते हैं गाइज। आइए। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows. अभी हम लोग आ चुके हैं विवेक के घर पे। देखिए आ चुके हैं, इनका स्कूल भी है यहाँ पे, वैद्यनाथ शिक्षा संस्थान, यहीं पे घर भी है। तो आ चुके हैं यहीं पे, अभी गए हैं गैस वैस लेने के लिए अंदर। तो अपनी पार्टी स्टार्ट होने वाली है, अब लोग निकलने वाले हैं यहाँ से फॉल के लिए। और बैठ चुके हैं अपने स्कॉर्पियो एन में भाई साहब, आ चुके हैं ये देखिए गाइस। तो हम निकलेंगे यहाँ से बस थोड़ी देर में, सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर निकल चला जाएगा यहाँ से फॉल के लिए। देखिए किधर जाते हैं, दिखाएंगे आपको, बताते रहेंगे बीच बीच में रास्ते का भी जायजा कि मिर्ज़ापुर में कितने फॉल्स, इतने सारे हैं कि भाई साहब एक सीजन में घूमेंगे भी तो बहुत है, अनगिनत फॉल है। तो आज एक और फॉल दिखाया जाएगा आपको, उस दिन भी दिखाया था हमने सिद्धनाथ दरी का। देखिए आज कहाँ जाते हैं, हो सकता है मैं भी वहीं जाए और कहीं, तो दिखाएंगे आपको। इधर हम लोग अपना पनीर वाला आइटम शुरू कर देंगे का बोलू। अब चिकन वाले लोग उधर बैठे हैं, देखा चिकन वाले दूर बैठा गलन उधर। और देखिए हम लोग का पनीर, अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे हम लोग जरगो डैम पे आए हुए हैं, देख रहे हैं पानी नहीं है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी डैम में। देखिए अब चल रहा हम लोग अपना पनीर खाते हैं, लेकिन पनीर बना बहुत तगड़ा है यार, बना लगा गर्म मसाले में। अब खा रहे हैं गाइस, खाने होने के बाद फिर मिलते हैं फिर। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग जरगो डैम पे हैं। जरगो डैम का मतलब पानी ही सूख गया है, बारिश के हो ही नहीं रहा है। दो साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ का पानी सूख जा रहा है। और मिर्ज़ापुर के जो मुन्ना भैया और उनको जो गोली मार दिए, गोली जो मारे थे, वो आगे चल के पहाड़ के ऊपर जो पेड़ है वहाँ पे पीपल का, वहाँ पे जो सीन दिखाया गया है सेकेंड वाले पार्ट में, वो भी आपको दिखाएंगे चलते टाइम, वहीं पर है वो। और अभी पता चला हम भी आए तब, और ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी नहीं, मतलब एकदम देख रहे हैं थोड़ा सा भी पानी नहीं है कहीं, एकदम दूर दूर तक ऐसे तो खाली पानी दिखता था, ऐसे दूर दूर तक पानी दिखता था और कुछ दिखता ही नहीं था। तो अभी खा हो के खाली हो गए हैं, तो अभी निकल के आ गए हैं। यहाँ हवा अभी थोड़ी चल रही, तो उसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। और इधर आज पनीर का सब्जी हम लोग खा लिए हैं भाई साहब, और वो लोग चिकन खाए हैं। देखिए हम लोग आए हैं तीन गाड़ी से, ये है देखिए एक दो, एक गाड़ी वहाँ पे, तीन गाड़ी, और सारे लोग अभी खाना खा रहे हैं इधर। एकदम बहुत ही गजब है ये मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में ये जरगो डैम जो है बहुत बड़ा डैम है भाई साहब, लेकिन एकदम सूखा हुआ है, नहीं तो ये सब जहाँ जहाँ तक दिख रहा है ये सब पूरा पानी रहता था, सब पूरा पानी रहता था। अब निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से, अभी टाइम हो रहे हैं 4:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में निकला जाएगा अब यहाँ से।